कम्युनिकेशन, इसमें जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कोई भी जानकारी या कोई भी सूचना को साझा करता है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन में एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है दोस्तों, वो ये होती है कि जब हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं या दूसरों को बता रहे हैं कोई भी जानकारी, तो वह दूसरा जो पर्सन है जो हमारी बात को सुन रहा है, वो उस बात को उसी तरीके से सही सेंस में समझ सके। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन है दोस्तों, वो एक लैटिन वर्ड कम्युनिकेर और कम्युनिस से आया है, जिसका मतलब होता है टू मेक कॉमन और टू शेयर। टू शेयर का मतलब तो आप जानते ही हैं दोस्तों, शेयरिंग, दूसरों के साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी आइडिया, कोई भी फैक्ट, या अपने कोई भी ओपिनियन, अपनी जो फीलिंग है शेयर करना। और टू मेक कॉमन का मतलब भी दोस्तों वही है। मान लीजिए आपके पास कोई भी जानकारी है, वो जानकारी आपने दूसरे पर्सन को बता दी, तो आप में और अब दूसरे पर्सन में एक कॉमन चीज़ हो गई, वो जानकारी, वो बात। तो कोई भी बात आपको पता है, जब आप दूसरे को बता देते हैं, तो ये कम्युनिकेट करना हुआ ये प्रोसेस। अब दूसरा व्यक्ति उस बात को जानता है, तो आप में और दूसरे व्यक्ति में एक चीज़ कॉमन हो गई, वो बात। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन है, जो इसका मतलब क्या है, टू मेक कॉमन। आगे लिखा है कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वही चीज़ दोस्तों, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी आइडिया को दूसरों के साथ, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ पास करते हैं, पास इन द सेंस शेयर करते हैं। आगे लिखा है, इनफैक्ट कम्युनिकेशन मीन्स कन्वे अ मैसेज बाय वन पर्सन टू अनदर सो दैट अनदर पर्सन में अंडरस्टैंड, फॉलो एंड इम्प्लीमेंट द मैसेज। यानी कि जो वास्तव में जो कम्युनिकेशन का मतलब इस तरह से क्या हुआ कि कोई भी अपनी मैसेज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, यानी कि इस तरह से पहुंचाना कि दूसरा व्यक्ति जो है उस बात को सही तरीके से समझ जाए और उसे सही तरीके से फॉलो करे, इम्प्लीमेंट करे। मीन्स जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं या बातचीत करते हैं, तो हम जो कह रहे हैं दूसरे व्यक्ति से, दूसरा व्यक्ति यानी जो हमारी बात को सुन रहा है या देख रहा है, पढ़ रहा है, तो वो व्यक्ति यानी रिसीवर हमारी बात को बिल्कुल सही तरीके से समझे, मीन्स सही सेंस में समझे जो हम कहना चाहते हैं उस व्यक्ति से। तो ये हमारी फिर एक कंप्लीट कम्युनिकेशन कहलाएगा दोस्तों। इस तरह से इफ वन पर्सन इज अनेबल टू फॉलो द मैसेज ऑफ अनदर, इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। यानी कि यहाँ पर लिखा है कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात को समझने में या फॉलो करने में थोड़ा सा अनेबल है, यानी असमर्थ है, यानी वो समझ नहीं पा रहा है कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, तब ये एक कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ द चेयरमैन ऑफ एन एंटरप्राइज डिलीवर्स हिज स्पीच इन इंग्लिश इन द एनुअल जर्नल मीटिंग एंड देयर इज नो वन हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, इट कैन नॉट बी कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया गया है कि एक चेयरमैन है किसी भी एंटरप्राइज, किसी भी कंपनी का, जिन्होंने अपने स्पीच जो है वो एक कोई मीटिंग उन्होंने रखी, एनुअल जनरल मीटिंग में जो स्पीच दी है वो इंग्लिश में ही दी है, सब कुछ, सब कुछ उन्होंने इंग्लिश में ही बोला है। लेकिन जो मीटिंग में जो लोग उपस्थित थे वहाँ पर, जो भी लोग वहाँ पर उस मीटिंग में थे, वो इंग्लिश को नहीं समझ सकते थे। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इंग्लिश को समझ सकता था अच्छे से, लेकिन जो चेयरमैन थे उन्होंने पूरी स्पीच इंग्लिश में ही दी। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या उनमें से कोई भी व्यक्ति उनकी बात को समझ पाया होगा सही से?
शायद नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति इंग्लिश को समझ ही नहीं पा रहा था। किसी को इंग्लिश उतनी अच्छी तरीके से नहीं आती थी कि वो इंग्लिश को समझ सके, लेकिन चेयरमैन ने पूरा इंग्लिश में ही सब कुछ बताया समझाया। तो इस तरह से ये कंप्लीट कम्युनिकेशन यहाँ पर नहीं कहलाई है। तो अगर हम अपनी बात को दूसरों तक पहुँचाने में सफल हो जाते हैं, तब ये एक कंप्लीट कम्युनिकेशन कहलाती है। आगे देखते हैं दोस्तों कुछ डेफिनेशंस को, कुछ स्कॉलर्स के द्वारा बताई गई हैं, जो कि अकॉर्डिंग टू जे जी ब्राउन, कम्युनिकेशन इज ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कोई भी जानकारी को ट्रांसफ़र करना, यानी कि कोई भी जानकारी का आदान प्रदान करना है। वेदर और नॉट इट इलिसिट कॉन्फिडेंस, यानी कि चाहे वह बात या वो इन्फॉर्मेशन विश्वास दिलाए या ना दिलाए, बट दैट द इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर। यानी कि वो बात बताई जा रही है, वो बात अंडरस्टैंडेबल यानी कि समझ में आने वाली बात होनी चाहिए। यानी कि जो बात, जो भी इन्फॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक शेयर की जा रही है, वो बात दूसरा व्यक्ति यानी रिसीवर आसानी से समझ सके, उसको वो बात समझ में आनी चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन वो कहलाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों रॉबर्ट एंडरसन के द्वारा बताई गई जो डेफिनेशन है, इनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि कम्युनिकेशन इज इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन बाय स्पीच, राइटिंग और साइंस। यानी कि ये बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, किसी भी थॉट, ओपिनियन और इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज है, यानी आदान प्रदान करना है। और कैसे आदान प्रदान करना है? बाय स्पीच, राइटिंग और साइंस। बाय स्पीच इन द सेंस बोल कर दोस्तों, और राइटिंग का मतलब लिख कर, और साइंस का मतलब किसी भी चिन्हों के द्वारा अपनी बात को समझाना। तो यहाँ पर इनकी डेफिनेशन ये कह रही है कि कम्युनिकेशन किसी भी विचार या कोई भी भावनाओं को या कोई भी जानकारी को बोल कर, लिख कर या किसी साइन के माध्यम यानी कोई भी चिन्ह के माध्यम से आदान प्रदान करना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, तब हमारी वो कम्युनिकेशन, वो प्रोसेस हमारा कम्युनिकेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे न्यूमैन एंड समर जी हैं, ये बताते हैं कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन्स। यानी कि इनके अकॉर्डिंग बताया गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने कोई भी फैक्ट यानी कि कोई भी तथ्य, कोई भी विचार या कोई भी इमोशन यानी कि कोई भी भावनाओं को जब एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं भावनाओं का, तब वह प्रोसेस हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। अकॉर्डिंग टू थियो हाइमन, कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मीन्स कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पास किया जाता है, यानी पहुंचाया जाता है या शेयर किया जाता है। मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग आइडियाज एंड मेकिंग वन सेल्फ अंडरस्टूड बाई अदर्स। तो जो हमारे नेक्स्ट स्कॉलर हैं उनका नाम है लीलैंड ब्राउन। तो इन द वर्ड्स ऑफ लीलैंड ब्राउन, कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स और कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि इनके द्वारा बताया गया है कि कम्युनिकेशन क्या है, कि कोई भी फैक्ट, कोई भी आइडिया, कोई भी फीलिंग का इंटरचेंज या ट्रांसमिशन ही कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कि कोई भी तथ्य, कोई भी विचार या कोई भी भावनाओं का आपस में आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इस तरह से दोस्तों कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने कोई भी इन्फॉर्मेशन को या कोई भी हमारा जो आइडियाज़ हैं या कैसा हम फील कर रहे हैं, मीन्स हमारे फीलिंग्स या
हमारे क्या विचार हैं किसी भी चीज़ के प्रति या किसी भी चीज़ को लेकर, मीन्स हमारे ओपिनियंस जब हम किसी को बता रहे होते हैं, मीन्स उसके साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो ये जो शेयरिंग का प्रोसेस होता है ना दोस्तों, इसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। चाहे वो बात हम लिखकर बता रहे हों, बोलकर बता रहे हों, या किसी साइन की हेल्प से, किसी चिन्हों के माध्यम से हम उसे बता रहे हों। और इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, वो आप जानते ही हैं कि हमें अपनी ऐसा कोशिश करना है कि हम अपनी जो बात बता रहे हैं दूसरा व्यक्ति सही तरीके से, सही सेंस में उस बात को समझ सके। मीन्स अगर आप अपनी बात को सही तरीके से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हो गए, तब आपकी जो उनके साथ कम्युनिकेशन, जो बातचीत हो रही है, एक कंप्लीट कम्युनिकेशन मानी जाएगी, यानी कि सही कम्युनिकेशन मानी जाएगी।